गाइस आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में आप लोग जानने वाले कि किस तरह आप बिना डॉक्यूमेंट के भी अपना आधार कार्ड करेक्शन कर सकते हो। ओ गाइस एड्रेस हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो या फिर मोबाइल नंबर हो, फ्रेंड्स आप अगर लेडीज़ है, अगर आप शादी करके दूसरे घर पर गए हैं तो वो एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं बिना डॉक्यूमेंट के। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी तरह वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है, ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स सिंपली फ्रेंड्स ये वाला सर्च कर देना है आपको। देन गाइस देखिए गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत सारा, सिंपली यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं सिंपली आपको दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड्स माई आधार यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली आपको वहीं पे क्लिक कर देना है। तो वेट कीजिए फ्रेंड्स, मैं सिंपली वहीं पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पे माई आधार पे क्लिक करने के बाद सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पे जाइए और इसके नीचे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए। देन गाइस आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, आपको सिंपली दिखा दूँ ये पीडीएफ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ यहाँ पे फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। देन आपको यहाँ पे दिखा दूँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अगर आपको आइडेंटिटी चेंज करना है तो इन सब को फॉलो करना पड़ेगा, देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स आप। आपको फ्रेंड्स मैं अभी आप बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, अगर फ्रेंड्स आप मीन्स आप अगर फीमेल है और आप शादी करने के बाद आपके ससुराल जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एड्रेस भी चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये है रिलेशनशिप। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत सारा दिखेगा, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिना प्रूफ के आप कैसे करेंगे। तो आपको सिंपली गाइस नीचे आ जाना है, आपको एक फॉर्म दिखेगा, आपको सिंपली ये 2 पेज का फॉर्म है सिंपली ये प्रिंट आउट कर देना है फ्रेंड्स आपको। देन गाइस आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देना है जैसे कि मैं आपको बोल दूँ। सिंपली गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है डेट, यहाँ पे फ्रेंड डेट लिख लेना है जो आप जब अप्लाई करेंगे तब का डेट यहाँ पे डालना है। देन गाइस आपको सिंपली नीचे आ जाना है और रेजिडेंट डिटेल आपको ये सब फिल कर देना है फ्रेंड्स। आप अगर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ठीक करना है और यहाँ पर भी ठीक करना है रेजिडेंट पर, क्योंकि गाइस आपका रेजिडेंट प्रूफ यहाँ पे देना है और आपको इसे भी अपडेट करना चाहते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स ये बनने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर देना है। देन आपको यहाँ पे फुल नेम जो आपका ओल्ड आधार कार्ड में है वो दे सकते हैं, वो नहीं देना है फ्रेंड्स, आपको जो ठीक नाम है वही देना है यहाँ पर। देन आपका फादर का नाम यहाँ पर लिख देना है, सी ओ मीन्स फ्रेंड्स केयर ऑफ। तो सिंपली देने के बाद फ्रेंड्स हाउस डिट, तो यहाँ पर अपना पूरा डिटेल दे देना है फ्रेंड्स, एड्रेस यहाँ तक, तो स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोटो पोस्ट ऑफिस ये सब फ्रेंड्स आपको देने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे पिन कोड भी दे देना है। देन फ्रेंड्स ये आता है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे दे देना है, अगर फ्रेंड्स आपको डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करना है तो जो करेक्ट है यहाँ पर डालना है फ्रेंड्स। देन आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है सिंपली गाइस, आपको यहाँ पर फोटो चिपका देना है। देन गाइस आता है ये नीचे, तो आपको दिखा दूँ ये फ्रेंड्स आपके लिए नहीं है, ये आपको फिल करने का ज़रूरत नहीं है, बाद में करेंगे। आप गाइस यहाँ पे आपको दिखा दूँ आप इनमें से किसी का भी यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मींस आपका पंचायत में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पंचायत हेड ऑफिस ऑफिसर या फिर MLA या फिर तहसीलदार, आप किसी का भी यहाँ पे साइन कर सकते हैं, उसके साथ स्टाम्प भी चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपके हिसाब से ठीक करना है, सिंपली मैं नीचे आपको प्रूफ के लिए दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड्स ये एक प्रूफ यहाँ पे आपको जैसे बताया था वैसा ही है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फ़ोटो के बाद ऐसे करना है। देन गाइस आपको ये नीचे दिख रहा होगा ये आपका डिटेल नहीं डालना है, ये इनका डिटेल है फ्रेंड्स, आप जो इनमें से जिनका डाल रहे हैं तो इस तरह से वो स्टाम्प मार के वो ही करेंगे फ्रेंड्स, आपको उनके पास लेना है ये फॉर्म। गाइस आपको यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको नोट यहाँ पे तो दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखिए
POI, POI मीन्स फ्रेंड्स आपको ऊपर दिखा दूँ क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो गाइस यहाँ पे करना क्या है, इस पे आपको यहाँ पे जितना नंबर है, सिंपली आपका एग्जांपल के लिए बोल दूँ 23, तो POI में 23 क्या है फ्रेंड्स देख लीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स आपको MLA का या फिर म्यूनसिपल काउंसिलर, इनका ही तहसीलदार, इनका ही साइन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स ये सब आपको डिटेल देखना है। तो ये था फ्रेंड्स एक ट्रिक जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम गाइस इसी तरह वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।